exercise number 2.5 question number 2 express as rupees using decimals right हमने जो introduction के video में देखा कि हमने जो पैसे है उसको rupees में convert किया था तो यहाँ पे भी हमें पैसे और rupees दिया उसको हमको convert करना है right तो क्या हो जाएगा 7 पैसे अब 1 पैसे equal to कितना होता है 1/100 rupees right ये हमने देखा था तभी भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा so 7 पैसे equals to how much क्या हो जाएगा 7 multiply by 1/100 तो 7/100 rupees right इसको हम कैसे लिखेंगे 0.07 rupees right 7 पैसे मतलब 0.07 rupees अब देखेंगे 7 rupees and 7 पैसा तो 7 rupees तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा 7 पैसे को अगर हम वापस convert करेंगे तो 7/100 मतलब 0.07 तो क्या हो जाएगा 7 rupees plus 0.07 तो क्या आ जाएगा 7.07 rupees right अब 77 rupees and 77 पैसा तो पहले हम 77 पैसे को convert करेंगे हमें पैसे को ही rupees में convert करना है तो 77 पैसे मतलब क्या हो जाएगा 77/100 तो 0.77 rupees हो जाएगा ये 77 पैसा equal to 0.77 rupees अब 77 rupees plus 0.77 rupees right तो क्या हो जाएगा 77 plus 0.77 rupees fourth 50 पैसे means क्या हो जाएगा 1/100 rupees right 1 पैसे क्या हो जाता है 1/100 rupees 50 पैसे equals to how much again वही हो जाएगा 50 multiplied by 1/100 तो 0.50 rupees right क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0.50 rupees अब है यहाँ पे fifth 235 पैसा तो 200 plus 35 पैसा हो जाएगा right इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो 200 मतलब क्या हो जाएगा 200 मतलब 2 rupees हो जाएगा You can understand कि 1 rupees equal to 100 पैसे तो 200 पैसे equals to how much rupees इस तरह से अगर आप count करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 divide by 100 क्या हो जाएगा 2 rupees आया हमारा answer तो ये हो जाएगा 2 rupees अब 35 पैसे को हम यहाँ पे convert करेंगे तो 1 rupees 100 पैसा 35 पैसा कितने रुपीस होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 35 बाय 100 तो क्या हो जाएगा 0.35 रुपीस यहां पे क्या आया हमारा 2 रुपीस और यहां पे आया 35 तो 2 रुपीस प्लस 35 0.35 रुपीस राइट तो क्या हो जाएगा यहां पे हमारा आंसर रुपीस 2.35 Standard 7th, exercise number 2.5, question number 3, उसमें 1. Express 5 cm in meter and kilometer. अब हमने देखा, जैसे कि 1 cm equals to 10 mm, 1 meter equals to 100 cm, और 1 kilometer equals to 1000 meter. अब हमें 5 cm है, उसको convert करना है. किस में convert करना है? Meter में, right? Meter में हमें convert करना है. तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लेंगे, 1 meter equals to 100 centimeter हमें किस में convert करना है पहले meter में तो हमें centimeter दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे centimeter और यहाँ पे meter find out करना है तो question mark हो जाएगा जो value find out करनी है उसके नीचे वही रखना है centimeter दिया हुआ तो centimeter के नीचे centimeter और meter के नीचे meter cross multiplication करेंगे क्या हो जाएगा 5 multiply by 1 divide by 100 तो क्या हो जाएगा 0.05 क्या ढूंढा हमने meter 5 cm equals to 0.05 meter. Now, 5 cm equals to how much kilometer? तो हमने पहले 5 cm equals to kilometer meter देखा 0.05 meter, right? तो 1 kilometer equals to 1000 meter, right? तो 1 kilometer equals to कितना हो जाता है? यहाँ पे कितने किलोमीटर होगा वो मैं find out करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
0.05 मीटर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, राइट। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो कितना हो जाएगा 1, 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा 0.0005 क्या आ जाएगा किलोमीटर। नेक्स्ट एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर था उसको हमने कन्वर्ट किया, अब हम 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हमें यही ध्यान रखना है कि क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन का, राइट। ये हम क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.35 सेंटीमीटर, राइट, इक्वल्स टू 0.35 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3.5, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 नहीं है, सो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता चल गया 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की वैल्यू रखेंगे तो हमें मीटर मिल जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 35 बाय इसको पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय 10 मतलब 1000 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 0.035 क्या आया हमारा मीटर, राइट। मतलब 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.035 मीटर। 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना किलोमीटर होगा, तो हमने देखा 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.035 मीटर होता है, राइट। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन क्या हो जाएगा 0.035 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा 0.123 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 अभी कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या हो जाएगा 0.000035 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस इन केजीस। अब हमने क्या देखा, जो हमने रुपीस है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पैसे में, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया, अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 200 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, राइट। तो क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम के नीचे ग्राम रखेंगे 200 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, कितना हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो कितना हो जाएगा 0.2 किलोग्राम 470 किलोग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, तो 3470 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3470 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 1, 1s, 10s एंड 100, इसके बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट, तो 3.470 क्या आ जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारा 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 ग्राम को ही कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, तो 8 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच, क्योंकि किलोग्राम तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा 0.008 किलोग्राम, राइट। अब क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 4.008 किलोग्राम।